नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के वीडियो में देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुप्रीम कोर्ट न्यूज और सीता प्रेस टीम का संदेश उनकी पोस्ट के माध्यम से। जाने कब तक आएगा ऑर्डर, कौन है जो 7 अगस्त की अफवाह उड़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलते हैं खबरों की ओर। पहले पढ़ते हैं सीतापुर टीम का संदेश जिन्होंने दिया है। ये रहा ट्वीट सीतापुर टीम का संदेश 31/7/2020 का। जय माँ पीताम्बरा, सीतापुर टीम दिनांक। प्रदेश के सभी 40 और 45% पर पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण हो रहे शिक्षा मित्र साथियों तथा बीटीसी साथीगण, जिनका उद्देश्य 40 और 45 की जीत से था, और उन्होंने हर बार आवश्यकता पड़ने पर सीतापुर टीम का सहयोग किया। ऐसे सभी साथियों का हम पूरी सीतापुर टीम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, पूरे प्रदेश में रिटर्न सबमिशन की फीस कुल 2,59,000 रुपये प्राप्त हुई थी। श्री सुंदरम जी के द्वारा तैयार मजबूत रिटर्न सबमिशन की पूरी फीस हम सभी ने किसी न किसी प्रकार व्यवस्था करके आज दिनांक 31/7/2020 को भेज दी। साथियों, आप सभी के मन में इस समय यही प्रश्न चलता रहता है कि ऑर्डर कब आएगा, क्या आएगा। तो इस विषय में यही कहना है कि आप लोग तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। सीतापुर टीम ने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है। आपके द्वारा सीतापुर टीम को दिया गया सहयोग युग में दी हुई आहुति का काम करेगा और आप सभी का मनोरथ सिद्ध होगा। साथियों, हमेशा माँ पीताम्बरा का स्मरण करते रहो। आपकी सीतापुर टीम के श्री सीए सुंदरम जी तथा आनंद जी, नंदन जी ने 40 और 45% पासिंग मार्क को हर तरह से मजबूत स्थिति में खड़ा कर रखा है। हम हर घड़ी पर हर पल माँ पीताम्बरा से जीत की कामना करते हैं। वो हमें विजय श्री का आशीर्वाद जरूर देंगी। तो ये थी सीतापुर टीम की पोस्ट। अब पढ़ते हैं जो 7 अगस्त को ऑर्डर आएगा, ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि 7 अगस्त को ऑर्डर आएगा या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आएगा। तो इस बारे में ये पोस्ट हम बता रहे हैं आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये है कट ऑफ गलत लिखा हुआ है, पास के मार्क मामले पर जो आदेश सुरक्षित किया गया था, कुछ लोग 7 अगस्त को आने की अफवाह फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पासिंग मार्क मामले पर फाइनल आदेश कब आएगा, ये जज जज के अलावा कोई नहीं जानता। जज के अलावा कोई नहीं जानता। न्यायपालिका पर जल्दी आदेश देने का कोई भी दबाव नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक केस में गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी आदेश 90 दिन बाद नहीं रिलीज होता तो संबंधित पक्ष जज के साथ पास मेंशन जरूर करा सकते हैं। इसी गाइडलाइन में ये भी पोस्ट है, स्पष्ट है कि कोई भी सुरक्षित आदेश मैक्सिमम 6 माह में दे देना चाहिए, लेकिन ये भी जज पर बाध्यकारी नहीं है। जस्टिस ललित के कुछ सुरक्षित आदेश में जानता हूँ, जिसमें 72,825 मामले का आदेश 3 माह बाद आया था, 12,091। अब माना आदेश 4 माह बाद आया। तो बिहार नियोजित शिक्षक मामले का आदेश लगभग 7 माह बाद आया था और 68,500 की जिला वरीयता केस मामले में हाई कोर्ट ने 9 माह बाद आदेश रिलीज किया था। सबरीमाला मंदिर का सुरक्षित आदेश जस्टिस गंगोई ने अपने सेवानिवृत्ति के पहले लगभग 1 साल बाद दिया था।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि जजों के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं होती है कि वो आदेश कब रिलीज करेंगे। जज चाहें तो मामले को एक दिन बाद ही आदेश दे दें। और 69,000 मामले में मेरा निजी विचार मत है कि आदेश आने में लगभग 1 महीने समय लगने की पूरी संभावना है। 1 माह से कम लगना मुश्किल है। हो सकता है पूरे अगस्त में आदेश ना आए, या आए तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में लग जाए। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ जाए, ये कहना मुश्किल है। तो ये थी ऑर्डर के बारे में एक सटीक जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।